नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। बल भाजपा में टिकट के दावेदारों को पैराशूटी नेता बताया कार्यकर्ताओं ने, कहा दामोदर दास के बाद टिकट पर मेहनती कार्यकर्ताओं का हक। देहरा में 5,000 रुपए की रिश्वत लेता धरा गया पटवारी, वसीयत कराने की इवेज में मांगी गई थी धनराशि, विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। रामनगर में सीवरेज कनेक्शन देने की अपील पहुंची प्रशासन के दरबार, जनता का कहना है बिना कनेक्शन झेलनी पड़ रही है दिक्कत। और बताएंगे आपको कि शिक्षा विभाग कहां खर्च कर रहा है एक छात्र पर 10,000 रुपए महीना। और अब खबरें विस्तार से। बल से भाजपा के पूर्व विधायक स्वर्गीय दामोदर दास के बाद टिकट का हकदार बनने वालों की एक होड़ सी लग गई है। बल भाजपा में भी बीते कई वर्षों से एक कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहे लोगों का कहना है कि सर्वस्तरीय कार्यकर्ता से ही किसी एक को टिकट दिया जाना चाहिए, न कि किसी पैराशूटी नेता को। नेरचौक में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बल भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा कि बल से भाजपा के टिकट पर ऐसे नेता दावेदारी जता रहे हैं जो कई पार्टियों को बदलकर अब भाजपा में शामिल हुए हैं, और कुछ नाम तो ऐसे भी हैं जिनके पास भाजपा की मेंबरशिप तक नहीं है, फिर भी ऐसे नेता पद यात्रा करके भाजपा से टिकट मिलने की बातें कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो दामोदर दास जी के निधन के बाद जो उपस्थिति हुई है, उसमें विभिन्न दावेदार बल में घूम रहे हैं कि मुझे टिकट मिल गया है या मैं दावेदार हूँ। कई लोग ऐसे घूम रहे हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेन देन नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं। ऐसे लोग भी आजकल अपने को भाजपा का उम्मीदवार मानकर बल में घूम रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न दलों से आके इसमें घूम रहे हैं और कहते हैं कि हम ही सच्चे भाजपा के कमट कार्यकर्ता हैं, जबकि पिछला इतिहास उनको देखें तो 1-2 साल से ही भाजपा में आए हुए हैं। बल भाजपा में चल रही इस उथल पुथल से परेशान होकर अब यहां के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि बल से भाजपा के निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने पार्टी की खातिर अपना जीवन लगा दिया, अब स्वर्गीय दामोदर दास के बाद उन्हीं में से किसी एक का टिकट पर हक बनता है। जो विभिन्न जिन्होंने खून पसीने से अपनी इस पार्टी को सींचा है, उन्होंने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान जिसको भी इन 8 में से किसी को भी टिकट देती है तो हम मिलजुल के सब काम करेंगे। अगर इनमें से 8 में से जो बहराई या पैराशूट से आए हुए नेताओं को टिकट देती है तो हम उनका विरोध करते हैं करेंगे, और इसकी जिम्मेदारी हम नहीं निभा पाएंगे कि पार्टी का जो भी होगा उसका पार्टी अपने हिसाब से सोचे। स्वर्गीय दामोदर दास की बेटी गीता के अलावा इस पत्रकार वार्ता में लाल सिंह देशबंधु, चेतराम, श्यामलाल, मित्रदेव, महेंद्रपाल, इंद्रवीर सिंह, ओम प्रकाश चौहान मौजूद थे। नेरचौक से के न्यूज के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। जैसे जैसे आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता हर संभव कोशिश करने में जुट गए हैं। मंगलवार को मंडी में भी एक रिटायर्ड कमांडर ने जहां टिकट के लिए अपने दावेदारी जताई है, वहीं पार्टी को जीत दिलाने का दावा भी ठोका है। जनता चाहती है कि सराज क्षेत्र से चुनाव मैं लड़ूं, क्योंकि जनता मेरे साथ है और मैं भी चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूं अगर उन्हें कांग्रेस हाईकमान टिकट देती है। यह बात सराज क्षेत्र के केलोधार निवासी रिटायर्ड कमांडेंट लाल सिंह ठाकुर ने मंगलवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए मंडी में कही। साथ ही उन्होंने टिकट पर दावेदारी पेश करते हुए कहा कि अगर हाईकमान उन्हें टिकट देती है तो वह 15 सालों का सूखा मिटा देंगे सराज क्षेत्र में, क्योंकि पिछले 15 सालों से सराज क्षेत्र में कांग्रेस नहीं जीती है। मेरा मानना है कि इस तरह की दावेदारी करना ये इस वक्त उचित नहीं है, मगर हाँ, अगर जनता चाहे डेफिनेटली और पार्टी का टिकट मुझे मिला तो जरूर इलेक्शन लड़ूंगा और यहाँ का जो सूखा है उसको दूर करने में कामयाब रहूंगा। वहीं लाल सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी में चल रही गुटबाजी की बात को भी खारिज कर दिया।
मेरा मानना है कि कांग्रेस में किसी भी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है, ये व्यक्ति विशेष की सोच होती है। डेमोक्रेसी में विचारों के मतभेद हो सकते हैं, वो घर में भी होते हैं, लेकिन संगठन को चलाने के लिए ये मतभेद कहीं टिकते नहीं है और कांग्रेस में ऐसे मतभेद के लिए कोई स्थान नहीं है। गौरतलब है कि चुनाव के नजदीक आते ही टिकट की दावेदारी पेश करने वालों की संख्या में और भी बढ़ोतरी हो गई है। देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी सराज क्षेत्र से किसको टिकट देती है और किसे नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। और साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या 15 सालों से जो सूखा कांग्रेस का वहां जीत का पड़ा हुआ है उसे कांग्रेस दूर कर पाती है या नहीं, यह तो आने वाले चुनाव ही तय करेंगे। के न्यूज के लिए कैमरामैन विजय के साथ परीश शर्मा की रिपोर्ट। कांगड़ा जिला के देहरा उपमंडल में भी एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पटवारी ने प्रभात सिंह से वसीयत बनाने की इविज में 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। प्रभात सिंह ने इसकी शिकायत स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो को दी। विजिलेंस की एक टीम ने जाल बिछाकर मंगलवार को पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। हाँ, ये प्रभात सिंह जी है, पैसा से इन्होंने कंप्लेंट दी थी हमें रिटर्न में कि इनका इंतकाल चलना था, तो उस इंतकाल चलाने के लिए 5,000 रुपये रिश्वत मांग रहा था कमलायन पटवारी। तो ये रिश्वत देना नहीं चाहते थे, रिश्वत के खिलाफ थे, इन्होंने कंप्लेंट कर दी। फिर 26 तारीख को भी हमने ट्राई की बट ट्रैप सक्सेस ना हुआ, ये मिला नहीं था उस वक्त। तो फिर आज ये टेलीफोनिकली इसने फिर डिमांड की थी, इनकी बात हुई तो आज हमने ट्रैप किया और ट्रैप सक्सेस हुआ है। तो 5,000 रुपये इसने रिश्वत ली है और ये रंगे हाथों पकड़ा गया है। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबॉन्ड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते एक दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचे। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुँचे, टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूना पानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटा केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडॉन्टिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहां उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
मंडी शहर के रामनगर वार्ड के लोगों ने जिला उपायुक्त से मिलकर वार्ड में सीवरेज सुविधा का लाभ दिए जाने की मांग की है। लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को जिला उपायुक्त से मिला। उन्होंने सीवरेज की समस्या से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। जिला उपायुक्त ने विश्वास दिलाया है कि जल्द ही सीवरेज की समस्या से निजात दिला दी जाएगी। गौर रहे कि रामनगर में आज भी कई ऐसे घर मौजूद हैं जिन्हें सीवरेज का कनेक्शन नहीं मिल पाया है। हमने सीवरेज के बारे में डीसी साहब से बात की, क्योंकि हमारे यहाँ सीवरेज की बड़ी प्रॉब्लम है। 10-12 साल 14 साल से हो रहे, इतने बड़ा कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहता है। तो हम इसलिए डीसी साहब के पास गए, अब हमारा कंसर्न और ये सीवरेज हमें मिलना चाहिए हर सूरत में। और हमें लैट्रिन की बहुत मुश्किल है, जो हमारे को उन घर तक जाते हुए 10 मिनट लग जाते हैं। और लैट्रिन का रास्ता जो है वो भी ठीक नहीं है, खद का रास्ता जो है वो भी ठीक नहीं है। वहाँ पौड़ी है, नीचे ऊपर चढ़ना उतरना तो गिर भी जाते हैं कई बार। लोगों की समस्या सीवरेज के बारे में हम लोगों को साथ में लेके डीसी साहब के पास गए। डी साहब से बातचीत हुई और डी साहब ने बोला कि आप सब रल मिल के वहाँ एक दूसरे से सलाह मशवरा करके बात करो और सीवरेज का प्रावधान जल्दी से जल्दी हो जाएगा। मैं आपके साथ हम लोगों से मिल करके उनसे रजामंदी लेकर के इस सीवरेज पाइप को बिछाने के लिए, जैसे हमारे उपायुक्त महोदय ने बोला कि आप मेरे पास लोग या एनओसी लाओ, मैं कल से ही काम शुरू कर दूंगा। तो मैं माननीय उपायुक्त महोदय श्री दिवेश कुमार जी का धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हमारी इस मंडी नगर परिषद के क्षेत्र में जल्द से जल्द जो है वो सीवरेज की सुविधा लोगों को मुहैया करवाई जाए, क्योंकि ये उनकी आवश्यकता है। रेड क्रॉस मंडी हमेशा ही गरीबों और असहाय लोगों के लिए तत्पर रहती है, फिर चाहे वह कोई विकलांग व्यक्ति हो या फिर कोई गरीब तबके से संबंधित जिसका कोई नहीं है, उनकी मदद के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी हर संभव कोशिश करती है। बहादुर सिंह नामक वृद्ध के लिए भी रेड क्रॉस सोसाइटी की कोशिश वरदान साबित हुई। रेड क्रॉस की इसी पहल से बहादुर सिंह के जीने की उम्मीद बन गई है। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये तस्वीरें हैं नेपाल के रहने वाले 75 वर्षीय बहादुर सिंह की, जो पिछले 25 सालों से मंडी में ही अपना गुजर बसर करने के लिए कार्य करता था। बताया जा रहा है कि जैसे ही बहादुर सिंह काम करने में असमर्थ हुआ तो जिनके पास यह शख्स काम करता था उन्होंने इस शख्स को घर से बाहर निकाल दिया। उधर जब रेडक्रॉस मंडी को इस शख्स की भनक लगी तो रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा बहादुर सिंह को अस्पताल मंडी में उपचार के लिए लाया गया, जहां पर उसका इलाज करवाया गया। ओपी भाटिया के मुताबिक ये शख्स कई दिनों से भूखा था और यह वृद्ध अपने सहारे से चल भी नहीं पाता था। सब्जी मंडी जो स्टेट बैंक के साथ ही है, वहां पे पाया गया कि एक 70-75 वर्षीय वृद्ध, लगभग जो 70 वर्ष उसकी आयु है, वहां पे अचेत अवस्था में पड़ा है। वह जिसने शौच इत्यादि भी अपने कपड़ों में ही कर रखा था, वहाँ के पार्षद श्री आशुतोष पाल जी द्वारा मामला माननीय अध्यक्ष महोदय जिला सोसाइटी मंडी के ध्यान में लाया गया। तो माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार ये आवेदक, जो अपना नाम बहादुर सिंह बता रहा है, को क्षेत्रीय सले मंडी ला करके उसका पूर्ण जाँच करवाई गई। जाँच के उपरांत चिकित्सक महोदय द्वारा जो भी इसके लेबोरेटरी टेस्ट लिखे थे वो टेस्ट करवाए गए। टेस्ट के कराने के उपरांत चिकित्सक महोदय द्वारा इसे पुनः दवाइयाँ लिखी, जो इसको जिला सोसाइटी मंडी द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है। रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव ओपी भाटिया ने बताया कि बहादुर सिंह की हालत बेहद दयनीय स्थिति में थी। यह देखा गया कि इस प्रकार के लावारिस लोग, कुछ एक लोग जो पहले जब वो अपने घरों में काम कराते हैं, लेकिन जब वो वृद्ध अवस्था में हो जाते हैं तो उनको स्थिति में छोड़ देते हैं, लाचता के वो लाचार अवस्था में घूमते रहे। ये भी देखा गया कि इसके जो नाखून थे वो काफ़ी समय से बढ़ चुके थे, जो कि काफ़ी मशक्त करने के बाद इन लोगों ने इनको नाखून को भी काटा और एक इसके बालों को भी काटा और एक स्वच्छ रूप में इसे बना करके अब इसको अनाथ आश्रम, जो हमारा वृद्ध आश्रम तल्याण है, जिसका संचालन हमारे बल वैली कल्याण सभा द्वारा किया जा रहा है, कि इस वृद्ध किया गया ताकि अन्य वृद्धों की तक जो आश्रम में रह रहे हैं उनके साथ
ये वृद्ध भी अपना जीवन जो शेष है उसको भली प्रकार से यापन कर सके। भाटिया ने जनता से अपील की कि कोई भी शख्स इस तरह के लोगों से अभद्र व्यवहार ना करे बल्कि उनकी मदद के लिए आगे आए। गौरतलब है कि बहादुर सिंह को रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा सब्जी मंडी से अचेत अवस्था में लाया गया था, जिसकी सूचना रेडक्रॉस सोसाइटी को स्थानीय पार्षद आशुतोष पाल ने दी थी और उसका उपचार अस्पताल में करवाया गया था, जहां से अब बहादुर सिंह को तलियार स्थित आश्रम भेजा गया, जहां पर अब वह बाकी की जिंदगी का निर्वहन करेगा। के न्यूज की टीम आप सभी से अपील करती है कि अगर इस तरह के शख्स आपको कोई दिखता है तो उसे अभद्र व्यवहार ना करके उसकी मदद के लिए आगे आए। के न्यूज के लिए कैमरामैन विजय के साथ परी शर्मा की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक, हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक, भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। कब तक रहेंगी ये पलके भीगी भीगी सी, कब तक रहेगी ये जिंदगी उलझी उलझी सी, कब तक रहेगी ये उम्मीद धुंधली धुंधली सी। अब होगी खोज खत्म और आगाज होगा आशाओं का, क्योंकि अब आपके शहर में पहुंच चुके हैं तंत्र मंत्र के सम्राट ज्योतिष गुरु साईं जी, जो है गृह क्लेश, नौकरी, कारोबार में बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, विदेश जाना, दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम विवाह, माता पिता को मनाना, कोर्ट कचहरी, धनलक्ष्मी तथा वशीकरण के स्पेशलिस्ट। यकीन मानिए, एक फोन आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। डायल करें 086-278-2057, 086-278-2055। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, क्लॉस्कर, डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। बेरोजगारों के लिए हिमायत करने के लिए हिमाचल बेरोजगार मंच का गठन किया जाएगा। मंच के गठन का बीड़ा डडोर वार्ड के पूर्व बीडीसी सदस्य सुरेश चौधरी ने उठाया है। डेयर चौक में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि हिमाचल में लाख शिक्षित बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, जिनकी सुध कोई भी नहीं ले रहा। चौधरी ने मांग की है कि राज्य के बेरोजगारों को बाहरी राज्यों की तर्ज पर बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाना चाहिए। आज बल क्षेत्र के अंदर 15,000 लोग शिक्षित रोजगार रखे हुए और 1,60,000 के आसपास रोजगार जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंदर है और 11,00,000 लोग जो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो हम चाहते हैं कि जैसा कि दूसरे राज्यों के अंदर शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है तो हिमाचल में भी दिया जाए। आज भारत के दूसरे राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा, JNK और उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है तो हिमाचल में क्यों नहीं।
हम माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी से मांग करते हैं कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, आप बहुत अच्छे कार्य किए हुए, आप गरीबों के मसीहा है, आपने मजदूरों की दिहाड़ी 75 रुपए से बढ़ाकर 130 रुपए की है, जबकि पूर्व में मुख्यमंत्री रहते भद्र सिंह जी उन्होंने उनके 20 वर्ष के कार्यकाल में सबसे ज्यादा 5 रुपए दिहाड़ी उन्होंने बढ़ाई है। इसलिए मुख्यमंत्री साहब प्रोफेसर प्रेम कुमार जी धूमल, हम आपसे निवेदन करते हैं कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, क्योंकि आज शिक्षित जो हमारे बेरोजगार है उनको 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं। पालमपुर मंडल के समीप एक स्कूल चिवलहार में 7 छात्रों पर 4 स्टाफ होने की बात को देखकर हर कोई दंग है। ये स्कूल प्राइमरी तक है और प्राइमरी स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने वालों की संख्या पढ़ने वाले छात्रों की संख्या से मिलती जुलती है। अगर औसत लगाई जाए तो एक छात्र पर विभाग का करीब 10,000 रुपये प्रति माह खर्च हो रहा है और विभाग भी अपनी आंखें मूंद कर मात्र तमाशा देख रहा है। स्कूल में इन अध्यापकों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी कितनी मौज लगी होगी, क्योंकि स्कूल में अध्यापक 4 है और छात्र महज 7। स्कूल की पालमपुर से दूरी मात्र 2 किलोमीटर भी नहीं है और जो अध्यापक स्कूल में कार्यरत है वह भी नजदीक से ही है। अगर वह प्रयास करें तो शायद स्कूल की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन यह उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता और जब तक स्कूल चलेगा तब तक ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट करवाने की प्रपोजल तो तैयार ही है। उक्त स्कूल जो कि बिल्कुल सड़क के समीप है, हर कोई आने जाने वाला जब इस प्रकार से शिक्षा और बच्चों के साथ हो रहे मजाक को देखता है तो उसे सारे सिस्टम में ही खोट दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ एक और चौंकाने वाला मंजर है, मात्र आधे किलोमीटर पर एक निजी स्कूल भी चल रहा है और उसकी संख्या भी देखते ही बनती है। सवाल यह उठता है कि आखिर खोट कहाँ है। सरकार की एक अधिसूचना के तहत जहाँ पर 10 बच्चों से कम बच्चे हैं वहां पर इस प्रकार के स्कूल को नहीं चलाया जा सकता है। उधर जब हमारी टीम ने स्कूल के अध्यापक से बात की तो जहां उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया, वहीं उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कुछ बच्चे पास होकर चले गए हैं जिसकी वजह से 7 छात्र यहां पर रह गए हैं। उधर जब हमारी टीम BEO सुरेंद्र शर्मा के पास गई तो उन्होंने इसकी पुष्टि करते हुए क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। स्कूल में बच्चों के कम होने का कारण एक ये भी हो सकता है क्योंकि इसके 1 किलोमीटर के दायरे में, अभी वैसे तो पालमपुर में बहुत ज़्यादा स्कूल हैं लेकिन इस स्कूल के 1 किलोमीटर जो है वो हमारे 2 गवर्नमेंट स्कूल तो वो रन कर रहे हैं प्लस प्राइवेट स्कूल हैं, तो एक तो ये भी इसका कारण है। और पहले यहाँ पर जो थी स्ट्रेंथ वो मेरे ख्याल से ज़्यादा थी, 13-14 बच्चे थे, लेकिन 5 बच्चे जो थे वो मार्च में जो वो 5वीं पास करके चले गए। इनके लिए काफ़ी योजनाएं चलाई गई हैं, उसके बारे में भी हमने पूरा जो सभी पेरेंट्स को जागरूक किया है, पूरी उन सरकार की योजनाओं के बारे में हम उन्हें बताते हैं, हर फैसिलिटीज़ जो वो यहाँ पर उन्हें मिल रही है, लेकिन फिर भी बच्चों की तादाद जो कुछ कम रहती है, तो इसमें कोई मैं अधिक बोलूँगा नहीं, लेकिन हमारी तरफ से जो पूरा प्रयास रहता है कि हम बच्चों को जो अच्छी एजुकेशन दें, अच्छा उनके भविष्य के बारे में सोचें, लेकिन कुछ कारण क्या रहे होंगे इसके बारे में मैं अधिक नहीं बोल सकता। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार इस वाक्य से वाकिफ नहीं है या फिर विभाग की तरह देखकर भी अनदेखा कर रही है, आखिर कब तक चलेगा ऐसा सिस्टम। के न्यूज के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। के न्यूज के संक में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।